इस वेले असी खड़े हाँ एयरपोर्ट के नजदीक जम्मू विखे, जिथे के ट्रैफिक पुलिस वाले ने थे एक मेरे को कंप्लेंट आई है और ये शख्स मेरे को पुजे ना आके कि मेरे को चलान किया गया मेरा 500 रुपये का और नाल ही उसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी गई और 500 रुपये लैके उन्होंने जेब पा लिया ऑफिसर ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरप्यारे तुसीं सब बखूबी जानते हो कि पूरे भारत की गल की जाए तो पूरे भारत के विच किते ना किते पुलिस वालों ते खास करके ट्रैफिक पुलिस मुलाजमां दे उत्ते हमेशा इल्जाम लगते ही रहते हैं रिश्वतखोरी दे। ते आओ तुहानूं जम्मू तो लाइव तस्वीरां कुछ अजिहियां विखाने आ जिथे 500 रुपया पुलिस मुलाजम वालों लैके जेब च पा लिता गया अते कोई पर्ची नहीं कट्टी गई। उस तो बाद जदों साडे पत्रकार नाल इस पीड़ित ने संपर्क साधिया तो पत्रकार लोकेशन पर पहुंचया तो उसने जाके पुलिस मुलाजम तो जदों पुछया कि तुसीं 500 रुपया लैके किदां जेब विच पाया है तो उसने जो बहाना दिता वो भी बहुत ही हासो हिणा सी। आओ पहला इस वीडियो से नज़र मारते हैं, उस तो बाद बाकी दियां गल्लां करते हैं। गुरबाणी खंडबाणी देखते सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले असी खड़े हाँ एयरपोर्ट के नज़दीक जम्मू विखे, जिथे के ट्रैफिक पुलिस वाले ने इत्थे एक मेरे को कंप्लेंट आई है और ये शख्स मेरे को पुजे ना आके कि मेरे को चलान किया गया मेरा 500 रुपये का और नाल ही उसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी गई और 500 रुपये लैके उन्होंने जेब में पा लिया ऑफिसर ने। असी मौके पर आके गल की उन्होंने। की नाम है तुहाडा जी? सुरेंद्र कुमार जी। क्या गल होई तुहाडे नाल? 500 रुपये लैता, रसीद नहीं दित्ती। 500 रुपया लैता, रसीद नहीं दित्ती। किस चीज़ का चलान किया? मैनूं पता ही नहीं कहदा कित्ता कोई चीज़ का। और उस तों बाद तुहानूं रसीद कोई नहीं दित्ती? नहीं। 500 रुपया किन्हां ने लिया? ये साहब होरे। अगे चलो। विकेश शर्मा किहड़े अफसर ने जिन्हां लिया? इन्हां ने लिया। साहब तुसीं 500 रुपये लिया इन्हां कोलों, कोई रसीद नहीं दित्ती। मैं सर किस ऑफिस दा तुसीं इदा चलान कीता? और रसीद कोई नहीं लिया। मैं सर इन्हूं बोले 1000 रुपया फाइन करना मैं इन्हां नूं जी। ये आखे 500 मैं 500 और ज्यादा रसीद देना। इस तरह मैं 500 जेब च नहीं पाया था। फिर तुसीं 500 रुपये इन्हां दा जेब च पा लिया और रसीद नहीं दित्ती और उस तों चला गए। मैंने आपको बोला 500 ऐसे जेब में नहीं डाला मैंने। सर तुसीं पाया? तुहाडे सामने बंदा खड़ा है। नहीं है गड्डी रोकी थी साहब ने, रोकी साहब नूं पुछ लो। ये तां सीधा सीधा धांधली है ना। धांधली पैसे लै रहे हो, रसीद भी नहीं दे रहे, चलान भी कर रहे हो। चलान करो जी आया नूं तुहाडा, क्योंकि अगर तुहाडा चलान बंदा जिथे कोई ऑफेंस करदा कोई या ना ही उन्हां तुसीं उन्हां दा कोई ऑफेंस दस्सिया ना ही तुसीं कोई उन्हां दा ऑफेंस दस्सिया ना ही उन्होंने चलान बे जो चलान कट के दिता है। साहब ने रोकिया विदाउट प्रेशर। मैंने उनको बोला मैं 1000 रुपया फाइन है इसका जी। ये बोल रहे 500 में 500 नहीं होगा, 1000 होगा। विदाउट रिसिप्ट क्यों चला गया? चलान की रिसिप्ट क्यों नहीं ली? दित्ती नहीं, मैं चल गया जी। की बोलिया तुहानूं 500 रुपये लैके? कुछ नहीं बोलिया, बोलिया नहीं कुछ मैनूं। हाँ ये तुसीं देख सकदे हो पूरी जो जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसलिए इन्हें DTI हैं। असी उन्होंने भी गलबात की है और उन्होंने भी साथ साफ इनकार कर दिता है कि असी पैसे नहीं ले, जो मेरी यूनियन ने लेन तो मेरे सीनियर देखेंगे। और जो ये ऑफिसर हैं जिन्होंने 500 रुपये का इन्होंने जुर्माना किया है, इन्हों का नाम है विकेश शर्मा और इन्होंने 500 रुपया जरा अपनी जेब में पा लिया। और उस तो बाद जो कि सामने खड़े हैं तुहाडे जो एलीगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे को 500 रुपया लिया है और अपने जेब में पाया है। और दर्शकों तो तुसीं देख सकते हो उत्थे वीडियो देख के तुहानूं अंदाजा हो ही गया होना है कि कितनी सफाई दे नाल पुलिस मुलाजम झूठ बोल रहा है कि असी चलान का 1000 रुपया इसनूं आख्या सी, 500 रुपया लैके जेब विच पा लिया तो बाकी 500 रुपया लिआउण वास्ते इसनूं कहा गया सी, तां करके पर्ची नहीं कट्टी गई। पर शक्ल देख के तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो पुलिस वाले दी कि वह साफ झूठ बोल रहा सी। ते अजिहे मामले सिर्फ जम्मू तो नहीं, भारत के अलग अलग बहुत सारे इलाकों तो अक्सर सामने आते हैं। पर अजिहे पुलिस अधिकारियों को एक बार जरूर सोच लेना चाहिए है। जेकर भारत सरकार वालों उन्होंने लखा हज़ारों रुपए दी तनख्वाह दित्तियां जांदियां ने तां आखिर वह अजिही कमाई क्यों करते हैं? क्यों गरीबां दा खून चूसते हैं? क्यों लोकां नूं तंग परेशान करते हैं? चलान जरूर करन जेकर कोई गलती कर रहा है, ट्रैफिक नियम तोड़ रहा है, पर वर्दी की तौंस दिखा के किसी का नाजायज़ फायदा ना चक्कन, किसी की खून पसीने की कमाई ना लुट्टन। तो इस सर्विस मसले उत्ते की सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट्स विच जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो। गुरबाणी अखंड बाणी और नोटिफिकेशन्स वास्ते बेल नूं रिंग करो।